लता है जिसमें फायर हमारी अनंत बढ़ती हुई इच्छाओं को नेवर एंडिंग डिजायर को डिनोट कर रहा है और आइस मनुष्यों के भीतर जो बहुत अत्यधिक नफरत है जिसकी वजह से वॉर्स होती है उसको रेफर कर रहा है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पोएट ने फायर का यूज ही क्यों किया डिजायर को डिनोट करने के लिए और आइस का यूज ही क्यों किया हेटर्ड को डिनोट करने के लिए बिकॉज स्टूडेंट्स फायर और डिजायर में एक चीज कॉमन है और वो क्या है कॉमन की फायर भी मनुष्यों की डिजायर की तरह बस बढ़ती जाती है एक बार किसी चीज

ने फायर से डिजायर को डिनोट किया है और हेटर के लिए आइस वर्ड का यूज क्यों किया गया है पोएट के द्वारा क्योंकि आइस हमेशा ही जो कोल्ड वर्ड होता है इसको नेगेटिव वे में यूज किया जाता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ही इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही इज कोल्डली स्टेयरिंग एट मी तो कोल्ड वर्ड हैज ऑलवेज बीन यूज इन अगेटिव वे हमेशा ही ये हमारी नेगेटिविटी को दिखाता है हमारे अंदर जो डिस्टेन है हमारे अंदर जो डिराइसिव फीलिंग है हमारे अंदर जितनी भी नफरत दोस्त भावना जेलसी की भावना एनवियस की भावना ये सभी तरह की नेगेटिविटी कूल वर्ड आइस वर्ड से रिलेटेड है उससे दिखाया जाता है इसीलिए पोएट ने आइस वर्ड का यूज किया है के लिए अब कोल्ड वर्ड यूज यहाँ पे सुटेबल नहीं रहता इसलिए फायर एंड आइस उसने किया है जिससे और भी आग और जल ये दोनों भी एक तरीके से रेफर हो रहे हैं इस दोनों वर्ड से जो वास्तव में यहां पे जो फायर है और रियल फायर की बात नहीं हो रही ह्यूमंस का जो बढ़ता हुआ डिजायर है जो हमें लगता है कि एक दिन दुनिया डूबने से खत्म हो जाएगी पानी में तो ऐसा नहीं है आइस यहां पे हमारी नफरत को दिखा रहा है कि हमारे नफरत की वजह से वॉर होगी और वॉर से पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी भर ही मरे या ना मरे पृथ्वी जिंदा रह सकता है और पृथ्वी जब जिंदा रहेगा तो दूसरे दूसरे जीव समय पर उस पर उत्पन्न होते ही रहेंगे बट ह्यूमन्स का अस्तित्व जरूर खतरे में आ सकता है ह्यूमन की बढ़ती हुई डिजायर्स और बढ़ते हुए हेटर्ड की वजह से लेट्स रीड दी सिंगल स्टंजा पोयम पोएट इज सेइंग दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पे रिस्टवाइज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice the student the poem is very simple where poet is simply conveying his message directly he is saying that Ki, there are few, many people in this world some here is representing some people isn't it तो पोएट आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ लो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर की वजह से ह्यूमन डिज़ायर की वजह से तो अब ह्यूमन डिज़ायर की वजह से दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी ह्यूमन डिज़ायर की वजह से दुनिया इस ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से ही आज आप देख रहे होंगे कि जिन सब जगहों पर पहले वन था फॉरेस्ट था जंगल था पेड़ था वुड्स थे उन सभी जगहों पर हमने जंगल पेड़ काट के पेड़ पौधे काट के वहाँ पर अपना घर बना लिया रोड बना लिया हॉस्पिटल्स बना लिया यूनिवर्सिटी बना लिया कॉलेजेस बना लिए आपको लगेगा कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बट ऐसा नहीं है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए हो, चाहिए होती हैं ह्यूम्स को कि अगर पॉपुलेशन कम रहेगा तो ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल्स स्कूल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स मॉल्स सुपर मार्केट्स जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब कम चाहिए होगा हर जगह शहरीकरण जो हुआ है अर्बनाइजेशन जिसकी वजह से आपका पूरा नेचर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और बढ़ती हुई इच्छा का मतलब यहाँ पे यह भी है कि कैसे एक ह्यूमन के पास पहले से ही एक जगह घर रहता है बट फिर भी उसको अब दूसरे जगह घर चाहिए जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गांव में पहले से अपना घर हुआ करता था प्राचीन काल से बट वो लोगों को लालच हो गया कि उनको शहर में घर बनाना है शहर में घर जब हो गया उनका तब उनके अंदर आ गया कि अब किसी और जगह घर बनाना है तो एक ही ह्यूमन अगर दस जगह घर बना लेगा तो पूरे पृथ्वी पर तो उतना जगह बचेगा नहीं जिन लोगों का जहाँ पे घर था अगर वहीं पर रहते तो शहरीकरण जो इतना बढ़ा है वो नहीं बढ़ता जिसकी वजह से जो जंगल थे वो जंगल अपने अपने जगह पर सीमित रहते और बात सिर्फ जंगल की नहीं है बात है अभी लोगों ने नदी के टेरेटरी में में भी जाके अपना घर बना लिया है नदी के पास समुंदर के पास जितना पहले आप धीरे धीरे देखो जितना भी रिवर्स है इंडिया में वो सब धीरे धीरे सूखता जा रहा है पूरा जो रिवर का एरिया था उस पर भी ह्यूम्स ने कब्जा कर लिया है जंगल पे तो कब्जा कर ही लिया ऑलरेडी तो क्या ये इन इन सब चीज़ों से लाइफ चलेगी अर्थ पे पर तो अल्टीमेटली ह्यूमन के डिज़ायर की वजह से एक दिन खत्म हो जाएगा ना सब चीज़ क्योंकि हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उसकी वजह से ही तो हमने दस जगह घर बनाया अगर आपको एक सिंपल सा स्मार्टफोन पहले चाहिए होता है फिर आपकी वो इच्छा पूरी हो गई तो उसके बाद आपको आईफोन चाहिए होता है आप पहले क्या होता था, था कि लोग साइकिल से चलते थे साइकिल के बाद बाइक आया बाइक के बाद अब सबको कार चाहिए कार के बाद अब सबको लैम्बर चाहिए आप बोलोगे कि हाँ सुख सुविधा भोगने का अधिकार सबको है बट इससे नेचर का डिस्ट्रक डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है अल्टीमेटली पूरा नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा और ये हमारे लिए ही हानिकारक है इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा स्वयं अपने पैरों पर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है बट हम लोग जिस टाइम में रह रहे हैं उस टाइम में एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ऐसा होना भी है क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं और पृथ्वी अपने एंड की तरफ जाएगा तो ही जाके ऑब्वियसली फिर से इसका रिवर्थ होगा स्टूडेंट ज्ञान देने के लिए मैंने एक अलग से भी अपना चैनल खोला हुआ है जिसका नाम है धर्मनिष्ठ नातनी तो आपको और ज्ञान वाली बातें जाननी होंगी तो आप उस चैनल पे जा सकते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट सम रेफर कर रहे हैं लोगों को पीपल को कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया खत्म होगा आपका फायर की वजह से और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया खत्म होगी आइस की वजह से मतलब हेटर की वजह से फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर बट पोएट यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं और पोएट क्या बोल रहे हैं कि उनको अपना अनुभव जो अभी तक रहा है टेस्टेड यहाँ पे कहने का मतलब है कि व्हाट एवर ही हैज़ एक्सपीरियंसड ऑफ डिज़ायर यानी ह्यूमन डिजायर का जो एक्सपीरियंस उनको रहा है अभी तक उसके हिसाब से देखो उन्होंने यहाँ पे डिज़ायर वर्ड का यूज किया है तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर इन दिस पोम तो पोएट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनको अभी तक जो भी डिज़ायर का अनुभव रहा है इसके आधार पे वो क्लियरली यह बात बोल सकते हैं कि हाँ डिजायर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे वो क्या बोल रहे हैं आगे फ्रॉम व्हाट आई हैव स्टेट ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज आई होल्ड विद दोज मीन्स टू सी दैट कि ये भी अपने आप को उन लोगों के साथ खड़ा पाते हैं जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म होगी यानी ये उन लोगों को फेवर कर रहे हैं जिनका सोच ऐसा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर इट मीन्स कि जो लोग फायर के पक्ष में है यानी जो लोग डिज़ायर के पक्ष में है कि डिज़ायर की वजह से दुनिया खत्म होगी मनुष्यों की बढ़ती हुई इच्छा की वजह से उन लोगों के साथ खड़े पाते हैं पोएट अपने आप को और स्टूडेंट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो डिज़ायर और हेटर्ड दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हेटरेड बट इफ इट हैड टू पे ट्वाइस बट पोएट आगे आपको ये बोल रहे हैं कि अगर दुनिया दूसरी बार खत्म होनी है मतलब एक बार तो खत्म होगा चलो डिज़ायर की वजह से कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि जो आइस है वो भी इक्वल केपेबल है दुनिया को खत्म करने में तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अगर दुनिया दूसरी बार खत्म होनी है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट तो इनको हेट का भी पर्याप्त एक्सपीरियंस है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट कि आइस की वजह से दुनिया खत्म होगी इस बात की भी बहुत संभावना है और आइस भी अपने आप में सफिसियंट है सफाइस मीन्स होता है इनफ आइस भी अपने आप में इट इमस हेटरेट ह्यूमन हेटरेट भी अपने आप में सफिसियंट है दुनिया को खत्म करने के लिए और स्टूडेंट हेटरेड और डिज़ायर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है आपके अंदर इच्छा आती है और आपकी इच्छा पूरी ना हो पाए और आप देखते हो कि सामने वाले को वो चीज़ मिल गया जैसे सपोज दैट आपके अंदर आईफोन पाने की इच्छा है और आपके किसी फ्रेंड के को आईफोन मिली हुई है उसके हाथ में आईफोन है तो आपके अंदर हेटरेड आ गया यानी पहले आपके अंदर डिज़ायर था और उस डिज़ायर डिज़ायर लीड्स टू हेटरेड तो डिज़ायर और हेटरेड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में कैसे नफरत या डिज़ायर एक दूसरे से लिंक है इसको समझने के लिए हम लोग चाइना का एग्जाम्पल देख सकते हैं चाइना उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज थे उन सब पे कब्जा किया और उसके बाद वो तिब्बत के ऊपर भी अभी कब्जा करना चाहता है साथ ही ऑलरेडी उसका प्रभाव है वहाँ पे साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता है और फिर जब अरुणाचल प्रदेश उसको मिल जाएगा तो धीरे धीरे पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चाहेगा कि मेरा है बोलेगा उसके बाद वो पूरा इंडिया चाहेगा नहीं उसका इच्छा जो है वो बढ़ते जाएगा और इच्छा नफरत का रूप भी ले लेता है क्योंकि इसी से वॉर भी होता है यानी डिज़ायर और आइस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये दोनों ही केपेबल हैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए जब पोएट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्राइस पेरिस मीज होता है कम टू एन एंड कि अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होनी होगी तो वो फिर दूसरी बार आइस की वजह से खत्म होगी वो तो ये इस बात को दिखा रहा है कि बोथ ऑफ दीज ह्यूमन फीलिंग्स डिज़ायर एंड हेटरेट आर इक्वली केपेबल टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड और यहाँ पे इस वर्ल्ड की जब बात हो रही है दुनिया ख़त्म करने की तो सिर्फ मनुष्यों की दुनिया ख़त्म होगी कि हम लोग खुद ही युद्ध करके पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे या नेचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे अपनी बढ़ती इच्छा के कारण वास्तव में और दूसरे लिविंग विंग्स भी एक्सटिंक्ट होंगे बट जब ह्यूमन्स एक्सटिंक्ट होंगे तो समय के साथ फिर अच्छे अच्छे लिविंग विंग्स पृथ्वी पर आएंगे और पूरा अर्थ जो है वो रीस्टोर हो जाएगा हालाँकि इस इस समय इस सिचुएसन में बिना महाकाल के मर्ज़ी से और बिना मर्जी मर्जी से, से बिना नेचर के से कुछ नहीं होता है हम लोग नेचर के अंग हैं, हम लोग नेचर के पार्ट हैं। अपने से खुद कुछ कर रहे हैं बी आर द डूअर ऐसा सेंस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर जो कुछ भी अभी वर्तमान समय में हो रहा है ऐसा होना था इसीलिए हो रहा है इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे क्योंकि अल्टीमेटली तो सब एक दिन मिट्टी बनेगा ही मैंने जो आपको बताया कि जैसे ह्यूमंस ने अभी जंगल काट के अपने घर बना लिए तो सारे घर एक दिन फिर से गिर जाएंगे और फिर से वापस मिट्टी बन जाएगा यानी नया मिट्टी का जो रिसाइकिलिंग प्रोसेस है वो हो जाएगा और फिर से वहाँ पर कोई और दूसरा लिविंग पेड़ पौधा या कुछ और उग जाएगा तो ये जो रिसाइकिलिंग का प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है स्टूडेंट ये एक सिंपल और शॉर्ट पोएम था जिसमें पोएट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपने अंदर जो हमारे अनंत इच्छाएं हैं मन को अपने बस में रखना है जो हमारे यहाँ जो हमारे शास्त्रों का मूल ज्ञान हमेशा से रहा है कि मन को अपने बस में रखना है मन के इच्छाओं के गुलाम नहीं होना है और इच्छाएँ जब आएँगी तो हेटर हेट्रिट भी आएगा ही तो इन सब से दूर रहना है ये वो सिंपली एक लाइन में मैसेज देना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब दुनिया को ख़त्म करने के लिए केपेबल है तो स्टूडेंट्स कुछ पोइटिक डिवाइेज भी इसमें पूछा जा सकता है जैसे मैंने आपको बोला ये सिम्बॉिक पोएम है तो इसमें मेटाफोड का यूज हुआ है कि यहाँ पे आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड एंड फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर तो ये मेटाफोर का एक्जाम्पल है और भी कुछ फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में तो उन सब के लिए एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पोम से रिलेटेड आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो